शुरू करते हैं सेशन। तो हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज डॉक्टर शहबाज आलम सर हमारे साथ हैं। सर जो हैं दे आर मतलब सर बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और इसके साथ साथ सर जो है मैं देख रहा था सर सोशल एक्टिविस्ट भी है, एनवायरमेंटलिस्ट भी है। मतलब सर इतने मतलब मल्टी टैलेंटेड और मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे सर काम कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के साथ साथ सर मतलब लोगों की सर्विस भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जगह जहाँ जहाँ सर को मौका मिलता है तो लगभग हर प्लेटफॉर्म पे सर जो है एक्टिव है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे लास्ट ईयर हमने फाइट अगेंस्ट COVID-19 जो इनिशिएटिव चलाया था तो सर उसमें भी काफी एक्टिव थे। टेली कंसल्टेशन में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सर ने पूरा योगदान दिया था। मतलब लगभग लगभग ज्यादातर जितने भी लोगों की क्वेरीज आ रही थी उनको टेली कंसल्टेशन का काम सर बड़ी बखूबी से कर रहे थे। तो आज का जो सेशन है वो बेसिक ह्यूमन बॉडी जो मतलब एक बेसिक जो भी हमारे स्वास्थ्यदूत जाएंगे तो उनको बेसिक जो जो जानकारियां होनी चाहिए एट प्रेजेंट जो मतलब होनी चाहिए जो एट कम्युनिटी एट लार्ज उनको जरूरत पड़ेगी ताकि जो है वो चीजों को जो है लोगों को एक्सप्लेन कर पाए। तो सर से मैं यहाँ से निवेदन करूंगा कि सर जो है सेशन को टेकअप करें और जो है चीजों को एक्सप्लेन करें, और बाकी जिसके भी डाउट्स हो वो चैट सेक्शन में जो है हैंड रेज करेगा और आलिम भाई या मैं जो है क्वेश्चन ले लेंगे या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन ले लेंगे। तो सर आगे इट्स ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। मैं धन्यवाद कहूँगा पीयूष जी को। उन्होंने जितना कुछ मेरे बारे में कहा है उतना तो मैं नहीं हूँ फिलहाल। उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया मेरे बारे में। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं आभार हूँ पीयूष जी और उनके सहभागी होगा कि उन्होंने इस ये जो इनिशिएटिव है पहल की है एक स्वास्थ्य दूत अभियान की, और काफ़ी अच्छी कोशिश की है। और मैं इनसे काफ़ी लंबे समय से अब इनके संपर्क में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जब से ये COVID-19 की महामारी घोषित की गई है तब से उन्होंने काफ़ी काम किया है, लोगों की जनसेवा में काफ़ी लगे हुए हैं और काफ़ी दिल से काम करते हैं ये। तो बहुत बहुत आभारी मैं उनका, और ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज का जो जी विषय जरूर। है वो हमारे आज का जो विषय है हमारा वो है मनुष्य शरीर के बारे में बताना है। तो मैं मतलब मनुष्य शरीर तो इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है ये कि अगर इसमें एक हफ्ते भी बोले जाए तो कम है। मैंने खास खास चीज़ें जो एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने इसमें एकत्रित करने की कोशिश करी है। और हाँ, सेशन के दौरान अगर जो जूम के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर उनको कोई भी प्रश्न है तो वो सेशन के दौरान ही मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में, जैसे कि पीयूष जी ने बोला, कमेंट सेक्शन में डालें, चैट सेक्शन में डालें, और जो यूट्यूब या और किसी माध्यम से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि मुझे पीयूष जी और उनके सहभागी मुझे वो सवाल प्रश्न बताएं तो मैं उसका उत्तर दे सकूँ, कोशिश करूंगा सबके उत्तर दूँ। और अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसको हमने अलग अलग सिस्टम से बांटे। अच्छा, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दावली का इस्तेमाल करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। तो जो हमारा मनुष्य का शरीर है वो हमने अलग अलग प्रणाली में बांटा हुआ है, सिस्टम्स में बांटा हुआ है। तो जो मुख्य प्रणाली है वो 8 है। तो उनको आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जो याद करने का होता है कि देखिए, सबसे ऊपर जो हमारा मस्तिष्क होता है तो वो हो गया नर्वस सिस्टम, जिससे कि हमारे जैसे नसों का जो होता है पूरे बॉडी जो नसें का जाल फैला हुआ है हमारे शरीर में, तो वो नर्वस सिस्टम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि दुख दर्द कैसे, हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, वो हो गया। उसके नीचे हम आते हैं तो हमारा एक कहता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है और शरीर में अलग अलग जगह मौजूद होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का काम ये होता है कि हमारे बॉडी में ऐसे कुछ धातु, ऐसे केमिकल जो है सिक्रीट करती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ पैदा करती हैं ऐसे शरीर के अंदर, जो जिससे ये पता चलता है कि इस मतलब किसी मनुष्य के शरीर में क्या होना है। जैसे कि उसमें बढ़वार होनी है तो उसमें होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो वो किस बॉडी में मतलब किस शरीर में कितना सिक्रीट होना है कि वो व्यक्ति का उतना बड़ा हो या उतना छोटा हो, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हार्मोन से रिलेटेड। उसके नीचे हम आते हैं तो हमारे जो फेफड़ा मौजूद है तो वो कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे मुंह नाक से शुरू होकर हमारे फेफड़ों में जाकर खत्म होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको बताना चाहूंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा ईश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि जो हमारे जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जो कि सांस की नली है, तो हमारे नीचे जाके जब ये बट्टी है सीधे और उल्टे हाथ के फेफड़े में, तो उल्टे जो सीधे हाथ की नली होती है वो हमारे ऊपर मौजूद होती है सीधे फेफड़े में। तो इसी माना कहा जाता है कि कभी भी अगर जो खांसी वगैरह ये बीमारी जो होती है फेफड़ों की अगर होगी तो ज्यादातर
वो सीधे फेफड़ों में ज्यादा पाई जाती है बमुकाबले उल्टे हाथ के फेफड़ों में, उल्टे तरफ के फेफड़े में। अब उसके नीचे हम आते हैं, तो हमारा है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो आप जानते हैं कि खाना 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 हजम करना, ये सिस्टम होता है। उसके नीचे हम आते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यानी कि जो हमारे बॉडी में जो भी हमारे शरीर में गंदगी बन रही है तो कैसे बाहर निकलती है। तो सबसे ज्यादा जो मेन किडनी तो है ही, जैसे हम जानते हैं कि किडनी गुर्दे जिसको कहते हैं, गुर्दे तो है इनके मेन स्रोत किसी चीज की गंदगी बाहर निकलने का। दूसरा हम जो खाना खाते हैं वो भी एनस के थ्रू बाहर निकलता है। जो सबसे मेन होता है हमारे जो त्वचा होती है, त्वचा से जो हमारा पसीना निकलता है वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। उसके नीचे आता है हमारे प्रजनन का सिस्टम है, जो पैदाइश वगैरह सिस्टम वो है, उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर गलती से म्यूट हो गए आप। सर गलती से म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही आवाज? जी। हाँ, तो एक जो हमारे जो सबसे दो इम्पोर्टेंट जो हमारे जो बॉडी के अंदर प्रणाली है, सिस्टम्स हैं, एक तो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। उसके अंदर हमारा हृदय आता है यानी कि हमारा हार्ट है, उसमें हमारे रक्त की कोशिकाएं हैं। तो रक्त की कोशिकाएं दो तरीके की होती हैं, दो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम, एक को कहते हैं हम आर्टरीज, एक को कहते हैं हम वेन्स। तो आर्टरीज वो होती हैं जो हमारा अच्छा जो हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला हार्ट से लेके हमारे जो बाकी के जितने भी बॉडी के शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लेके आके लेके जाती हैं। और जो वेन्स होती है वो गंदा खून जो होता है हमारे शरीर को वापस ऊपर तक लेके आती है, हार्ट तक लेके आती है, ताकि उसमें ऑक्सीजन वापस मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वहां से निकल सके। अब जो हमारे बॉडी में जो ज्यादातर हमारे शरीर में जो हमें ऊपर ऊपर नीली रंग की जो हमारे रक्त की कोशिकाएं दिखती हैं वो वेन्स होती है, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो शरीर के अंदर काफी डीप मौजूद होती है। अब इसके अलावा जो है, अब हमारा बचता है एक स्केलेटल सिस्टम जिसको हम मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो हमारे जो ढांचा है हमारे शरीर का वो कैसे बनता है, वो हमारे मांसपेशियों से यानी कि मसल से बनता है और हमारी हड्डियों से बनता है। तो एक जब शिशु का एक जन्म होता है तो उसके अंदर लगभग 300 हड्डियां मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क होते जाते हैं तो एक वयस्क शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये कम नहीं होती है हड्डी, ऐसे नहीं है कि कम हो गई है हड्डी। ये हड्डी जो शिशु के हड्डी जो होती है वो छोटी छोटी है तो वो अलग अलग होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको ऑसिफिकेशन कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के, यानी कि जो छोटी छोटी हड्डी है वो जुड़ने लगती है। तो कुछ छोटी हड्डियां जब मिल गए तो वो 2 से 6 हड्डियां हो जाती हैं जब एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। एक दूसरी एक नॉलेज ये देना चाहूंगा मैं कि जैसे जो हमारे सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो तीन हमारे कान के अंदर मौजूद होती है, उनको कहते हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है हमारे जो हमारे घुटने से ऊपर की जो हड्डी है, जो रान जो हम जिसे कहते हैं, उसमें जो हड्डी होती है वो फीमर कहलाती है। और फीमर जो हड्डी होती है वो कम से वो उसके अंदर इतनी ताकत होती है, मतलब इतनी मजबूत है वो हड्डी हमारी कि वो हमारे जो एक मनुष्य का शरीर है उससे भी 30 गुना ज्यादा भार वो सह सकती है। लेकिन खास बात यह है कि ईश्वर ने ऐसा बनाया है, कुदरत तो कुदरत है, तो उन्होंने ऐसा बनाया है कि स्टील से ज्यादा मजबूत है, लेकिन स्टील से भी 50 गुना कम हल्की होती है वो। अब खास अब दूसरी एक चीज, हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि अब आते हैं, ये तो हो गया हमारे मनुष्य शरीर के बारे में मोटा मोटा जो है। अगर आपको इसी कोई और प्रश्न पूछने के लिए तो इतना वास्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम चीजें में ज्यादा ज्यादा चीजें बता सकूँ। तो दूसरी चीज, अब जैसे हम आते हैं वाइटल्स पे। वाइटल्स जैसे कि नाम बता रहा है, इंग्लिश लोग पहचान इंग्लिश जानते होंगे, अंग्रेजी तो समझ रहे होंगे। वाइटल्स यानी कि जो जरूरी चीज होती है, तो जरूरी चीजों में हमारे 4 चीजें आती हैं जो एक हर स्वास्थ्य दूत को पता होना चाहिए। उसमें पहला आता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर यानी कि हमारे शरीर का तापमान, दूसरा आता है हमारा ब्लड प्रेशर, तीसरा आता है हमारा कि पल्स रेट, और हमारा चौथा आता है ब्रीथिंग ब्रीथिंग रेट। तो जो हमारा जो अपना एक बॉडी का तापमान होता है एक नॉर्मल, इसको हम दो इसके दो अलग अलग इसके मेजरमेंट्स हैं, जिसमें एक तो होता है फॉरनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस। तो फॉरनहाइट के अंदर होता है कि ये 96.7 फॉरनहाइट से लेके हमारा होता है 99 फॉरनहाइट तक, जिसको अगर डिग्री सेल्सियस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, उसको बदलते हैं, तो होता है लगभग 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बुखार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल कोविड-19 की महामारी फैली हुई है और बीमारी काफी है, तो उसमें एक मुख्य लक्षण उसका एक बुखार भी होता है। तो बुखार करने कभी भी ऐसे नहीं है कि बुखार जैसे किसी को हुआ, तो सबसे अच्छा जो आसान तरीका, बुखार किसे कहते हैं कि बॉडी का तापमान जो है, शरीर का तापमान बढ़ गया, तो उस तापमान को सबसे अच्छा करने का तरीका होता है कि मॉपिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉपिंग करना, यानी कि गर्म कपड़े, ठंडे पानी कपड़े को, किसी सूती कपड़े को, कॉटन के कपड़े को ठंडे पानी में लें, एक साधारण पानी यानी कि बर्फ का पानी लें, ठंडे पानी में जो हमारे टैप का वाटर है उसके अंदर लें, उसको डुबोएं, अब मत्थे पर रखें और हाथ और पैर पे जितना हो सके उतना कोशिश करें ताकि तापमान कम हो।
और दूसरे मैं कुछ दवाई के बारे में चाहूंगा कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कालपोल नाम से दवाई आती है जिसका मेडिकल टर्मोलॉजी है पैरासिटामोल, उसका साइंटिफिक नेम है एसिटामिनोफेन। तो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में होती है, घर घर में आपको मौजूद होती है। तो लोग क्या करते हैं, किसी को बुखार होता है तो सीधा उन्होंने गया और पैरासिटामोल ले ली, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बुखार के लिए लेना अच्छी बात है और सबसे अच्छी दवाई भी मानी गई है, सबसे सेफेस्ट ड्रग कहा जाता है इसको, पैरासिटामोल को। लेकिन इसके भी कुछ अपने अपने साइड इफेक्ट हर दवाई के हैं। तो उसमें कोशिश ये करना कि पैरासिटामोल एक बार खाली चलिए, अगर ठीक हो गया बहुत अच्छी बात है, दो बार खाए, तीन बार खाली, दिन में तीन गोली से ज्यादा नहीं, यानी कि मैक्सिमम डोज वैसे तो 1500 mg होती है इसकी दिन में, लेकिन 325 गोली, 325 mg के फॉर्म में आती है, 500 mg के फॉर्म में आती है ये, मतलब इतना इसका मेजरमेंट है जिस हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। तो क्योंकि सबसे पहले जैसे पैरासिटामोल होती है, इसको अगर हम ऐसी बिना इसके इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर हमारे छाले बनने लगते हैं। बोले ये एक जो ग्रुप ऑफ जो मेडिसिन है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसे कहते हैं हम, ये होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि ये हमारे असल तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगी, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारे जो भी हमारे जब ये बॉडी में जाती हैं तो हमारे जो बॉडी के हमारे शरीर के अंदर जो हमारे आते होती हैं अतरियाँ होती हैं उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सुरक्षा की एक कवच जो बनाता है वो इसको बंद कर देती है। तो उससे क्या होगा, जब सुरक्षा का कवच नहीं होगा हाथों में, तो ये दवाई जो होगी हमारे शरीर में कुदरती जो होता है, हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हमारे में पाचन के लिए अलग अलग जैसे एसिड वगैरह सिक्रीट होते हैं, तो वो हमारे हाथों को इफेक्ट करेगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे हाथों के अंदर छाला पड़ जाएगा। इसके हमारे कोशिश ये करें कि बिना किसी परामर्श के डॉक्टर पर किसी भी डॉक्टर के परामर्श से ये दवा ना खाएं, और खाली पेट में तो बिल्कुल ही ना लें इस पैरासिटामोल को। अब आते हैं कि वाइटल्स पे जो मैं कह रहा था, तो जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, आपको बॉडी का तापमान बता दिया है, जो हमारी एक ब्रीथिंग रेट होती है नॉर्मल वो होती है 12 से 16, एक प्लस इंसान में, बच्चों में ज्यादा होती है, 40 तक भी होगी प्रति मिनट, ये प्रति मिनट बता रहा हूँ मैं, तो ये भी मतलब नॉर्मल मानी जाती है बड़ों में, वयस्क इंसान में, वयस्क मनुष्य में 12 से 16 होती है पर मिनट। इसके बाद आते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर में कितना कन्फ्यूजन होता है। तो ब्लड प्रेशर का सबसे एक आसान तरीका है कि जो ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा कि 120, 110, 100/80, 120/90 ऐसे लिखा जाता है। तो जो एक जो ऊपर की जो लिमिट होती है इसकी, जो ऊपर का जो उसका लिमिट है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक होता है, जो ऊपर की जो लिमिट है 120 ± 10, यानी कि 110 से लेकर 130 तक हमारा ये नॉर्मल है, और नीचे वाला जो होता है वो 80 ± 10, यानी कि 70 से लेकर 90 तक का नॉर्मल माना जाता है। किसी को कोई प्रश्न हो बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं, ये हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया, तापमान हो गया, और हमारा और क्या बचता है, पल्स रेट। पल्स रेट जो होता है, पल्स रेट आप जानते होंगे कि जो हम हाथ में नापते हैं, जो हार्ट रेट भी कहा जाता है, तो नॉर्मल एक व्यस्त मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ये होती है 72 प्रति मिनट, 72 पर मिनट होती है। एक और बात मैं बता दूं कि जो पल्स रेट होती है, कि कभी अगर बढ़ती है गलत तो बढ़ती भी हो ना, और नीचे भी हो, बड़े वाले की जो बड़ी जो 32, अगर 32 से ज्यादा, 72 से 72 से ज्यादा होती है अगर पल्स रेट, तो वो भी है खतरनाक दोनों, और नीचे भी कम ज्यादा खतरनाक होती है। जो बढ़ी हुई जो होती है पल्स रेट, उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, या मेडिकल टर्मोनोलॉजी है। तो ब्रैडीकार्डिया जो होता है, जो नीचे वाली जो होता है पल्स रेट, अगर ऐसे किसी के अगर 60 से नीचे होती है हार्ट रेट, जो 60 से नीचे है प्रति मिनट, तो ज्यादा खतरनाक होती है। तो उसमें ज्यादा जल्दी इंटरवेंशन की जरूरत होती है, यानी उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी होता है। अब हम आते हैं ब्लड शुगर के बारे में बताता हूँ आपको, कि ब्लड शुगर जो होता है ये हमारे आज ज्यादातर आप देख रहे हैं कि डायबिटीज जो है, मधुमेह जिसमें कहते हैं, काफी आम हो चुका है, हर पब्लिक में पाया जाता है। तो ब्लड शुगर के मैं लेवल आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल ब्लड शुगर होता है, यानी कि जैसे जो इसमें तीन तरीके के ब्लड शुगर हम नाप सकते हैं। एक तो होता है कि जिसे हम खाली पेट में जो होता है इसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, तो इसकी रेंज है 70 to 100, 70 से 100 mg/dL। तो उसके बाद आता है कि रैंडम ब्लड शुगर, कि मतलब कोई पेशेंट, कोई भी व्यक्ति गया, उसने जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, मतलब उसको ये मतलब खाना खा के वो ऐसे चलो तुरंत चले गए, या उसके बाद 2 घंटे कैसे भी चले गए वो, तो उसमें होता है कि ऐसे उसके होता है फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर का होता है 200 mg/dL, पर डेसीलीटर से नीचे होगा तो वो नॉर्मल माना जाता है। फिर एक आता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि जो खाली पेट में वो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो नापा जाता है, वो होता है 140 से नीचे होना चाहिए mg/dL। अब ब्लड शुगर के इसके बारे में बताया मैंने कि ब्लड शुगर जैसे कोविड महामारी या कोई भी बीमारी होती है, तो अगर किसी भी इंसान का शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो उसमें हीलिंग, यानी कि जो उसके वापस जो रिकवरी के है, रिकवरी के जो बॉडी के शरीर के अंदर अपना रिकवरी का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत हल्का पड़ जाएगा। उससे क्या है कि लोगों को परेशानी होगी, और डायबिटीज जब भी कहा जाता है कि कभी भी सर्जरी से पहले, जैसे मैं सर्जरी में हूँ, सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ मैं,
तो उसका मतलब जब भी किसी सर्जरी को करते हैं तो पहले आपने कहीं पर भी देखा होगा कि डॉक्टर पहले सबसे पहले कहता है कि ब्लड शुगर नॉर्मल होगी तभी वो सर्जरी करेगा। इसी माना कहा जाता है कि अगर शुगर बड़ी भी होगी तो उसका जख्म नहीं भरेगा, जख्म नहीं भरेगा तो पेशेंट को एडमिट दिक्कत होगी और उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। अब एक कंडीशन ये होती है कि अब तो ब्लड शुगर बड़ी होने के बाद हो गई, अब ब्लड शुगर कम होने के बाद जब से 70 से नीचे जब ब्लड शुगर होगी किसी की तो वो ज्यादा खतरनाक होती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत होती है कि अगर ब्लड में जैसे किसी किसी को ब्लड शुगर देखा होगा, आप सुनते भी होंगे आसपास किसी की शुगर 400 तक पहुंच गई, तो कहते हैं किसी की शुगर 500 तक पहुंच गई, तो खतरनाक वो भी है। लेकिन उसमें क्या कंट्रोल होगा, देर में जो कंट्रोल होगा तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे नीचे का ब्लड शुगर होता है जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। कि इसके जो खास लक्षण होते हैं कि कैसे पता चला है किसी को हाइपो, या तो उसको भूख लगे कि ज्यादा प्यास लग रही होगी, साथ में उसको कंफ्यूजन होगा, उसको पता नहीं होगा कहाँ जा रहा है, वो बैकी बैकी बातें करेगा। तो उस केस में सबसे पहले कोशिश ये करें कि पहले सबसे पहले वो कोई भी मीठी चीज खाए, बिस्किट ले लें, शरबत पी लें, कुछ भी पी लें, उसके बाद जब उसको थोड़ा आराम हो तो उसके बाद वो डॉक्टर पर जाके दिखाएं। अब आते हैं कि एक सर इम्यूनिटी के बाद एक में। क्वेश्चन जी आ रहा बिल्कुल है कि बिल्कुल। डायबिटीज के क्या क्या टाइप हैं, जैसे टाइप ए टाइप बी जो डायबिटीज होती हैं, तो उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है और डायबिटीज के क्या टाइप्स हैं, मतलब बेसिकली जो जी एक डायबिटीज, हम। जी डायबिटीज जो है, जो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, डायबिटीज दो तरीके का होता है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलाइटस है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर एक होता है पेनक्रियाज, तो वो हार्मोन जो होता है वो पेनक्रियाज हमारे शरीर में एक समझ लीजिए छोटा सा अंग है, वो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन से क्या कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखता है। अब जिसके जब मैं डायबिटीज मेलाइटिस का बता रहा हूँ उसके अंदर क्या होता है कि हमारे इंसुलिन पैनक्रिया सही से काम नहीं करते, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जब पैनक्रिया हमारे सही से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन की कमी है, तो इसके हमारे हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। सही है, तो उसमें भी फिर डायबिटीज मेलाइटिस के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। फिर एक आता है डायबिटीज इंसिपिडस, उसका आज तक शोधकर्ता उसको जांच कर रहे हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट कॉज आज तक पता नहीं चल पाया कि डायबिटीज इंसिपिडस का क्या वजह है। ठीक है, ये हुआ डायबिटीज के बारे में, ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। लेकिन जो डायबिटीज है मधुमेह है, तो खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से जो कोविड की बीमारी है, किसी भी बीमारी के अंदर शुगर का लेवल कंट्रोल होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, ताकि उसमें बीमारी और फैलने के चांसेस ना हो, खास तौर से इन्फेक्शन वाला वो इन्फेक्शन होता है। अब मैं बात करता हूँ इम्यूनिटी के बारे में, आलिम इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो है, भाई बाकियों को म्यूट करते रहिएगा, होस्ट आप इम्यूनिटी हैं। आलिम भाई के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत आगे चर्चा होता है, लोग अक्सर मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज करते रहते हैं लोग कि सर ये बताइए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। तो देखिए मैं इम्यूनिटी के बारे में आज आपको खास तौर से बता रहा हूँ कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, ठीक, या तो उसको कहते हैं इननेट या एक्वायर्ड। इननेट आएगा यानी जन्मजात तरीके से इम्यूनिटी मौजूद है, जो जन्मजात इम्यूनिटी है, जो जन्मजात मौजूद है किसी बच्चा जब पैदा होता है उसमें जैसे पहले से जो मौजूद है जिसमें शरीर में, वो होती है इननेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो वैक्सीन के जरिए ली जाती है। तो जो इननेट इम्यूनिटी है वो हमारी जो होती है, जो इम्यूनिटी कैसे कहा जाता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को किसी बीमारी से, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है। तो हमारे विश्व ने हमारे शरीर को ऐसा होना है कि कोई भी बीमारी होती है, जो खास तौर से जगह के सर्दी नजला बुखार हो जाता है उसमें, उसमें जो उसका वायरस होता है उसको हम एक्यूट, उस बीमारी को हम कहा जाता है एक्यूट कोलराइजा, और जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, आम भाषा में कहते नहीं सर्दी बुखार हो गई इसमें, तो उसका जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता होता वो भी वायरस है। ये जब वो शरीर में आता है तो हमारे बॉडी के अंदर हमारा शरीर जो है उसको देख ले, संपर्क पहचानता है कि हाँ ये बाहर से ये फॉरेन बॉडी आई है, यानी कि जो ये मतलब विदेशी कोई चीज हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गई है, तो इसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाता है। इसमें कहा जाता है कि 5 से 7 दिन में वो अपने आप ठीक होता है। अब जैसे कोविड की बीमारी है, जब कई सारी टेटनेस है, पोलियो है, इस बीमारी में ये होता है कि हमारे शरीर इनको नहीं पहचानता है, नहीं बना पाता है इनके खिलाफ एंटीबॉडी, तो हम बाहर से एक वैक्सीन लेते हैं। तो बाहर से वैक्सीन ऐसे नहीं कि वैक्सीन कोई हमारे केमिकल है, वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कोरोना के वायरस ले लीजिए, हमने उसका थोड़ा सा अंग मतलब थोड़े से उसके कीटाणु लिए, वायरस लिए, कि इतने वायरस लिए कि वो इतने मात्रा में नहीं है कि हमारे शरीर में उसको असर हो सके। लेकिन जब वो जब बाहर की कोई चीज आएगी तो हमारा शरीर इतनी पहचान जाता है कि ये बाहर से कोई चीज आई है जो हमारी खुद की नहीं है, तो वो इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करता है। तो हम कोरोना वायरस के थोड़े से कीटाणु लेके हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनको बनाया जाता है ताकि वो हमारे शरीर में इतना मतलब उसका कोई नुकसान ना हो, वो हमने बॉडी में इंजेक्ट बॉडी के अंदर डाला, तो उससे हमारे जब एक बार शरीर पहचान जाता है कि ये हमारे जो बॉडी है एंटीबॉडी, इसलिए कि ये हमारा बाहर का फॉरेन बॉडी है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, और एंटीबॉडीज जब बनाता है
तो जब बाद में कभी अगर किसी को होता है, कोई भी हो, चाहे वायरस बीमारी हो या फिर कोई भी बीमारी हो, पोलियो हो, टेटनस हो, रुबेला हो, मीजल्स हो, चिकन पॉक्स है, तो ये जब बीमारी, जब इसका जब वायरस अंदर बॉडी के अंदर आएगा, बैक्टीरिया अंदर बॉडी के अंदर हमारे प्रवेश करेगा, तो हमारी बॉडी पहचान जाएगी, अरे हाँ ये पहले से हमारे इसमें पहले भी आ चुका है ये, तो इसको हमें पता है कि इसके लिए हमें ये फौज इकट्ठी करनी है, ये फौज हमारे पास पहले से तैयार है, तो उसको प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे, उसकी ज्यादा तैयारी करेंगे फौज, जिसे मैं कह रहा हूँ यानी कि एंटीबॉडी, और उसको वो ताकि फैलने न देंगे, उसको वहां पर खत्म कर देंगे। अब आती एक मैं जो जरूरी पॉइंट कहना चाहूंगा वो ये है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ज्यादातर आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे बिहार से भेजा था एक मैसेज कि वो मुझसे ये कह रहे थे कि अगर किसी को कोरोना वायरस कोरोना बीमारी हो जाती है तो ये दवाई खा ले, उससे ये बीमारी दूर हो जाएगी और काफी लोगों में इसका फर्क पड़ा है। मैंने बिल्कुल ठीक है, मैं लेकिन ये आपको गलत है, तो मुझसे कहला है कि डॉक्टर साहब ये कैसे आप कह सकते हैं ये होता गलत ना है। आपका म्यूट वाला। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखिए ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि अब वायरस है, हमारे जो कीटाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो आईएएस वगैरह तैयारी करो अच्छी तरीके से जानते होंगे, आम पब्लिक जानती है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। अब जो हमारी एंटीवायरल ड्रग होती है यानी कि जो वायरस के खिलाफ रखते हैं, वो अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है, अलग ग्रुप ऑफ दवाई होती है, और एक जो अलग होती है ग्रुप होती है एंटीबैक्टीरियल दवाई। अब कुछ दवाई है उसमें भी भेज रहे थे कि इसमें कि भाई डॉक्टर साहब ये एंटीबैक्टीरियल ये भी खाना ये भी खाना, तो मैंने भाई एक बात बताइए, मैंने लिए जो वायरस है ठीक है ना, तो वायरस एंटीवायरल समझ में आता है कि फेविपावर है या अलग अलग दवाइयां हैं जैसे साइक्लोविर वगैरह नाम से आती हैं, तो वो सब खाने समझ में आता है वायरस के खिलाफ, लेकिन जो एंटीबैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं वो वायरस के खिलाफ कैसे असर करेंगी। तो कह लगा अच्छा डॉक्टर साहब ले रहे तो उससे नुकसान क्या होना, नुकसान ये है कि जब एक बार हमने एंटीबैक्टीरियल ले ली, हम जबरदस्ती ले जा रहे हैं, हमने गए दुकान पे मेडिकल स्टोर पे, कहने को सरकार की तरफ से मना है कि बिना किसी परामर्श के डॉक्टर के लिखे परामर्श से, लेकिन मिल जाती है हमारे देश में, तो उन लोग क्या करते हैं, लोग ले आते हैं और खाना शुरू कर देते हैं ठीक है। जैसे एरिथ्रोमाइसिन आती है जो एजिथ्रॉल नाम से आती है, 5-MG जो आजकल बहुत ही लोग खाने लगे हैं कि भाई फेफड़ों की बीमारी से नहीं होगी, तो बिल्कुल इससे क्या होगा कि हमने शरीर में लिया जबकि हमें जरूरत नहीं है ठीक है। तो हमारे जो अगर थोड़े से बैक्टीरिया जो अगर हमारे शरीर में मौजूद थे, उनको पता है कि ये जो है ये हमें मारना आते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, अपने आप को है तो वो भी एक ईश्वर का बनाई हुई चीज, कीटाणु जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है वो अलग चीज है, तो वो क्या करेंगे इसके खिलाफ, वो अपना उनका एक अलग मैकेनिज्म होता है, वो कोशिश करेंगे कि इसको इवोल्यूशन करना ताकि वो उसके अंदर अपना जेनेटिक मॉडिफाई करे। जैसा हमने कोरोना का सुना था कि नए नए वेरियंट आए, कि डेल्टा वेरियंट आ गया है, अल्फा वेरियंट आ गया है यूके के अंदर, तो ऐसे ऐसे इसके अंदर भी नए नए वेरियंट बनना शुरू हो जाएंगे, तो जो हमारे पास पहले से मौजूद है दवाई जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, कोई भी जो एंटीबैक्टीरिया एंटीवायरल है, वो फिर इन पे असर नहीं करेगी। तो समझ लीजिए कि जब वैक्सीन जो आज तक इतने कोरोना इतनी पूरी दुनिया में होड़ लगे, जो विश्व के जो विश्व गुरु अपने को कहलाते हैं देश, वो वैक्सीन की होड़ में लगे, वो आज तक अच्छी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। इफेक्टिव है 90% इफेक्टिव है, कुछ 80% इफेक्टिव है, कुछ में बच रहा है, कल ही एक शोध हुआ था बच रहा है 61% इफेक्टिव है, लेकिन जब एक पहले से हमें पता चल गया कि जो जो इतनी जो मेहनत है, जो भी अभी हम 100% 100% उसको अभी नहीं कर पाए हैं उस वैक्सीन के पूरा जिसकी एफिकेसी हो, तो सोच लिया हम जब इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, तो अब पहले से जो दवाइयाँ मौजूद हैं वो हमारे जब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो दवाइयाँ क्या असर करेंगी। तो वो बैक्टीरिया पहले से समझदार है, वो अपने आप को पहले से तैयार करके बैठा है कि भाई अगर मैं कुछ करूंगा इनके शरीर में तो मैं ये दवाई खा लेंगे मुझे ये मार देंगे, लेकिन वो पहले से चला के उसने क्या किया, पहले से उसने अपने को मॉडिफिकेशन कर लिया ताकि कुछ आए ना उसके उसको, तो जब हमने गोली खाई तो वो उस पर असर ही नहीं करेगी। फिर लोग कहते हैं कि भाई गोली भी असर नहीं करेगी, गोली असर करती है लेकिन आप लोगों ने खुद ही इतना खा लिया कि वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया। ऐसी एक बार टीबी टीबी जो चलती थी, टीबी के अंदर चार ड्रग ज्यादा होती थी, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथेम्बिटॉल। तो ये क्या होता था कि जब हम दवाइयां देते थे टीबी के लिए तो लोग खाते बीमार थे, लेकिन टीबी के अंदर भी आपने सुना होगा जो टीबी सरकार ने एक अभियान चलाया था, अब भी चलता है वो अभियान, तो उसमें होता था कि अस्पताल में आपका सरकारी अस्पताल जो टीबी का केंद्र होता था वहां पर जाकर लोगों को दवाइयां खाना होती थी, लोग जाके दवाई खाते थे अपने सामने खिलवाते थे। इसी माह फिर लोगों ने क्या किया उसको स्किप करना छोड़ दिया, यानी कि कुछ दिनों तक खाए, उसका अलग अलग रेजिमेंट होता है, 6 महीने का साल भर का डोज होता है, तो लोगों ने बीच में छोड़ दिया। उससे क्या हो गया, टीबी की जो बैक्टीरिया जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो हमारे उसने अपने आप को विकसित कर लिया, तो हमारे जो ये दवाइयां थी वो उस पर असर करना छोड़ दी। इसके हमारे एक नए आ गए कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंट टीबी वो बहुत घातक है और पूरे विश्व में फैल रहा है। ये तो हो गया, मैं कुछ आपको बारे में जो है इसके बारे में बताना चाह रहा था, और अब मैं बताता हूँ जैसे हमारे शरीर में जो हेल्थी डाइट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, तो एक हमारे कभी भी एक संतुलित पोषक आहार जिसे कहते हैं वो लेना चाहिए। तो हमारा जो आहार जो होता है उसमें तीन तीन चीजें जरूरी होती है, फैट्स, प्रोटीन्स और अपना कार्बोहाइड्रेट। तो फैट्स हो गए तो आप समझ ही रहे हैं, जो तेल के पदार्थ हैं, जो चिकने पदार्थ हैं वो फैट्स हैं। फैट्स में अलग अलग होते हैं कि जो अच्छे हैं, जो अच्छे तेल के पदार्थ हैं, जो पूरे तेल के होते हैं कंपाउंड्स वो होते हैं, तो कोशिश ये करेंगे जो अच्छे तेल के कंपाउंड वो बोले। दूसरा हम आते हैं कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, यानी कि
जो हमारे जो शरीर को जो विकसित करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो बढ़वार करते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन के कई सारे स्रोत हैं, उसमें शाकाहारी स्रोत भी है, मांसाहारी स्रोत भी है। तो जो शाकाहारी है वो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही मलाई जो वो सब ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मावा ले सकते हैं, ठीक है, अपना जो फल वगैरह सब्जी ले सकते हैं, और हमारे जैसे जो हमारे जो नट्स जिसे कहते हैं हम कि पीनट्स हो गए, यानी मूंगफली हो गए, बादाम हो गए, ये सब लेना चाहिए। दूसरा हम आते हैं कि जैसे जो मांसाहारी में, तो मांसाहारी जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर प्रोटीन्स होता ही है, वो हम ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं शाकाहारी प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब वाटर इंटेक की, क्योंकि जैसे कोई भी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जैसे गंदगी को आपने देखोगे कभी कहीं पर भी आकर गंदगी जमा होती है, तो हम क्या करते हैं कि पानी बहाते हैं कि भाई पानी डालो ये, ताकि गंदगी बह जाए। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी जो हम चीजें ले रहे हैं, जो हमारा वातावरण में जो दूषित हवा वगैरह है वो सब अंदर ले रहे हैं, तो उसको बाहर निकलना शरीर से जरूरी है। तो इसके अंदर हमारे पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल एक एडुकेट मात्रा होना चाहिए, यानी कि इतने मिनिमम क्वांटिटी है कि इतना पानी जरूर लें हम शरीर के अंदर। तो जो एक अभी हाल ही में एक सन 2020 का एक अमेरिका की एक संस्था है, उसने एक शोध किया, तो उस शोध में पता चला कि जैसे एक व्यस्क मनुष्य के पुरुष के अंदर, उस पुरुष को कम से कम दिन में 3.7 लीटर पानी लेना चाहिए, और एक औरत को जो एक स्त्री है, स्त्री को कम से कम 2.7 लीटर प्रतिदिन पानी लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे अब अगर कुछ लोग कहें कि ऐसा पहले हम कहते थे कि 5 लीटर कम से कम दिन में पानी पियो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज्यादा पानी पिएगा, 4 लीटर पानी पिएगा, 5 लीटर पानी पिएगा, तो हमने क्या किया, जो हमारे शरीर के जो हमारे गुर्दे हैं, किडनी है, जो उनकी एक फिल्टर की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हम उस पर लोड डाल रहे, तो उसमें केस कंडीशन हो आती है बॉडी के, उसको कहते हैं हम हाइपोनेट्रोपिया, जो हमारे बॉडी के लिए, मनुष्य के लिए, शरीर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये सेशन खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कुछ और भी जो भी सवाल आए शरीर से, जो भी मनुष्य के शरीर के बारे में पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये है सर, खास जो शरीर का, मोटा जी मोटा बोलिए। आपके जो लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं सर। टेम्परेचर बॉडी का कितना रहना चाहिए, मतलब जनरल बॉडी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? देखिए 37 अगर डिग्री सेल्सियस में जो हम सर ज्यादातर सेल्सियस पे ही बात कर थर्मोकपल, लेते हैं क्योंकि फ़ारेनहाइट वाले शायद ही वो होते हैं। हाँ, हाँ, तो सेल्सियस थर्टी कितना होना सिक्स चाहिए? जी 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस भी नॉर्मल माना जाता है। ठीक है सर। ब्लड प्रेशर की अपर लिमिट लोअर लिमिट? हाँ 120 अपर लिमिट बता रहा हूँ, 120 प्लस माइनस 10, यानी कि 110 से लेके 130 तक की वो अपर लिमिट नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। अब नीचे की लिमिट आती है, हाँ वो होती है 80 प्लस माइनस 10, यानी कि 70 से लेके 90 तक की नीचे की लिमिट है वो नॉर्मल मानी जाती है। ऑक्सीजन लेवल जो पल्स मीटर से हम नापते हैं तो सर हाँ उसकी हाँ क्या मैं लिमिट? हाँ अच्छा हुआ आपने ये बताया मुझे। ऑक्सीजन देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर आजकल काफी आम हो गए हैं, लोग पल्स ऑक्सीमीटर अब आम घरों में भी लोग लेने लगे, पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर आ गए। और कहा भी जाता है कि ऐसे कोरोना बीमारी में फेफड़ों से ज्यादा, इसमें फेफड़ों में ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन के बॉडी के अंदर ले, अब ऑक्सीजन की आपको खासियत होता है, ऑक्सीजन होता है बॉडी के अंदर किसी भी मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, जो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे मस्तिष्क को, यानी कि ब्रेन को जरूरत होती है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हमारे मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा उसका असर होगा। बाकी के बॉडी के जो भी अंग है उन पर तो असर हो गई, लेकिन मस्तिष्क पे ज्यादा, मस्तिष्क पे जब ज्यादा असर होगा तो उस इंसान का फालिज भी हो सकता है, वो इंसान कोमा में भी आ सकता है। तो जब हमारे पल्स ऑक्सीमीटर की जो रेंज है, जिसमें SpO2 जो कहते हैं उसको, जो SpO2 लिखा हुआ होता है उसमें, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिन्हें कहा जाता है, वो अगर नाटे जो हमारे किताब में जो आइडियली जो हम देखते हैं वो 95% से अगर किसी का कम होता है तो उस पर इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी कि हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने की जरूरत है, चाहे वो हम ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए दें या अलग अलग मेथड होते हैं उसके जरिए देना जरूरी है। सर हॉस्पिटलाइजेशन और वेंटिलेटर की स्थिति, मतलब 70 से नीचे आई तो हॉस्पिटलाइजेशन और अगर 50 के आसपास है तो शायद वेंटिलेटर, ऐसा कुछ होता है ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं तो 95 से नीचे है तो अगर घर में सिलेंडर किसी के है कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है तो कुछ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दें, लेकिन जैसा आप बताने कि 70 उससे नीचे अगर और गिरता है तो सीधा हॉस्पिटल सेटअप में ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में अलग अलग हमारे बैरोमीटर्स वगैरह होते हैं जो प्रेशर को नापते वगैरह है, और वहाँ अलग अलग फैसिलिटीज होती है, और जब ज्यादा कंडीशन खराब होती है तो फिर वेंटिलेटर पे जाता है पेशेंट। तो ये पल्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खास तौर से हमें ध्यान रखना है कोरोना की बीमारी को लेकर। सर और नॉर्मली जो अभी जो कंडीशन है तो उसपे जो है कम्युनिटी एट लार्ज में अगर हम बातों को बताएं तो जी मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, बॉडी के बाकी देखिए, वाइटल्स हो गए, इसके अलावा सर हाँ और क्या चीजें हैं जिससे इम्यूनिटी मतलब एट लार्ज जो है बढ़ाई जा सकती है?
देखिए इम्यूनिटी जो होती है, मैं आपको एक आम भाषा जैसे समझाऊं, तो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी की यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है किसी बीमारी को लेकर, तो हमारे जब किसी भी चीज में उसके लिए हमें एंटीबॉडीज पैदा करना है, यानी कि हमें फौजी एंटीबॉडीज, यानी कि मैं उनको फौजी से एक तुलना कर रहा हूँ, तो फौजी हमें तैयार, फौजी जब अच्छे जब बनेंगे कि जब किसी देश में फौजी अच्छे बनेंगे जब जब उनको रिसोर्सेज हो, यानी कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जिस चीज से बनना है वो अवेलेबल हो। अब वो चीज हमारे शरीर में क्या है कि हम अच्छा खाना लें, ठीक है ना, एक्सरसाइज करें, तो जिससे जब हमारे जो एंटीबॉडीज बनती है उनके लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो ताकि आराम से शरीर को हमारे मुहैया हो सके, ताकि हमारे एंटीबॉडी अच्छी तरह से बने, इसी में कहा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छा ध्यान रखिए, काढ़ा पीजिए, तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है किसी बीमारी को लेकर उसको बढ़ाते हैं हमारे शरीर के। और किसी का कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, मतलब जो भी सर ने बताया बहुत मीनिंगफुल था, मतलब उसको पूरा, जो लोग अभी नोट नहीं कर पाए होंगे, यूट्यूब पे हमने लाइव किया हुआ है, फेसबुक पे लाइव किया हुआ है, तो वहां से जो है दोबारा देखकर भी चीजें नोट डाउन की जा सकती हैं अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो। तो इसके अलावा अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडी और जो वाइटल्स हैं या वो हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा मैं एक और आपको बताऊं कि जैसे हमारे जो कोरोना की बीमारी चल रही है, तो इसमें ऐसे हम एक आम मतलब जैसे एक स्वास्थ्य दूत को पता होना चाहिए कि ताकि ऐसे कभी वो जैसे उनको कम्युनिटी में ज्यादा काम हो, ग्राउंड लेवल पे होंगे वो, जब घर घर जैसे जाए या अपने किसी भी अपने मोहल्ले में अपने एरिया में लोकेलिटी में जब खड़े हो, तो एक आम जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए। तो हमारे गर्मियों में देखा जाता है कि हमारे पेट की बीमारी ज्यादा होती है और ठंड के मौसम में हमारे फेफड़ों में ज्यादा बीमारी होती है। तो इसी यानी जब कहा जाता है कि गर्मियों में कहते नहीं कि ऐसे हमारे माता पिता कहते हैं हमें गर्मियों में बाहर का खाना मत खाओ, बाहर की तली चीजें मत खाओ, ताकि पेट की बीमारी, बिल्कुल उस वक्त जो पेट में जो बीमारी करते हैं वो कीटाणु उस वक्त वातावरण में ज्यादा होते हैं, पेट की बीमारी ज्यादा करते हैं, और ठंड में जो होते हैं जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो ठंड में ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका वही उनका एडिक्वेट टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, जिसमें वो बढ़ सकते हैं वातावरण के अंदर। तो हमें ठंड में जो होता है अपने फेफड़ों के खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। किसी के कोई सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं, शरीर से रिलेटेड जो भी सवाल है, वैसे जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पीएचयू के संपर्क में हमेशा रहता हूँ। तो ऐसे किसी को सवाल है या किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना हो तो पीएचयू को कॉन्टेक्ट करें, और पीएचयू जैसे मुझे फॉरवर्ड करें मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन प्रश्नों का उत्तर देने की। हेलो सर। हेलो जी हेलो। हेलो सर, मैं कटघरिया हल्द्वानी से रमा तिवारी बोल रही हूँ। तो अभी मेरी मदर इन लॉ है, उनको भी कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, तो जी उसके बाद फिर उनको कोरोना तो उनका नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर सर्दी जुकाम हो गया है, बहुत ओके। ज्यादा छींक छींक भी हो रही है उनको, तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर? ये कब से हो रहा है ना, कितने दिन हो गए इसको होते, सर सर्दी जुकाम अभी जो है ना, तो कितने दिन हो गए? हाँ अभी तो 4-5 दिन पहले हुआ था, वो फिर ठीक हो गया था कुछ दिन, 2-3 दिन ठीक रहा, उसके बाद कल से फिर हो गया है। कल से फिर हो गया है? तो देखिए मैं आपको जी बता सर दूं कि अभी, हाँ अच्छा, वो बाहर ठीक वगैरह है तो नहीं बहुत जा रहे अभी। हैं जी, घर पे ही है नहीं ना सर वो फिर? तो हाँ घर पे ही रहते हैं सर हमेशा, अभी तो रेस्ट में ही है वो, खुद कोविड हो गया था उनको, 1 महीने का रेस्ट हो गया है उनका पूरा अच्छा, अभी हल्द्वानी में कैसा मौसम, कैसा हल्द्वानी में बारिश वगैरह पड़ रही सर। है या कैसा? हाँ सर बारिश तो हो रही है, बारिश तो हो रही है यहाँ पर, अक्सर हो ही जा रही है। जी, देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये जैसे जो सर्दी बुखार है, जो आप बता रही जुकाम है, इसमें ज्यादातर क्या होगा, गले में खराशें भी हो सकती हैं, खांसी होगी, बुखार सा लग रहा होगा, जुकाम होगा, ठीक है ना? तो ये जी हम सर कहलाता जी है, इसको एक्यूट एक्यूट कोराइजा कहलाता है, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, या आम सर्दी की जो बुखार होता है कहते हैं मौसमी बुखार हो गया है। तो देखिए अगर ये वैसे अगर जो ये देखा जाता है कि ये 5 से 7 दिन में, ऐसे किसी को किसी भी व्यक्ति को अगर होता है, मनुष्य को, तो 5 से 7 दिन में बिना दवाई के भी अपने आप ठीक हो सकता है। दवाई तभी लेते हैं, यानी जो पैरासीटामोल जो मैंने बताई थी वो ले सकते हैं, वो भी तब जब अगर बुखार ज्यादा है, किसी का शरीर का तापमान ज्यादा है, तो उस केस में वो पैरासीटामोल ले, वो भी दिन में 3 से ज्यादा नहीं, सुबह दोपहर शाम को लेना होती है। अब बात करते हैं कि आप जो पूछने की ये आपको मतलब लग रहा है कि क्या हो सकता है, तो ये जितना चांसेस है ये एक्यूट कोरोनाइज़ ही होगा। पहले जब कोरोना हो जाए, कोरोना से वो वापस रिकवर हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ चुकी है, तो अब उनके अंदर चांसेस कम है। लेकिन शोध हुए हैं और शोध में ये भी पता चला है कि केस कई सारे आ चुके हैं जिनको कोरोना होगा, तो वापस कोरोना हो चुका है। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इससे रिलेटेड, यही है कि 5 से 7 दिन देखिए,